मित्रों, इस वर्ष यानी 2023 में कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। इनमें पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को पड़ने के लिए जा रहा है। सूर्य ग्रहण किसी भी तरीके से या चंद्र ग्रहण किसी भी तरीके से शुभ नहीं होता है, किसी हर राशि में किसी न किसी प्रकार का बुरा प्रभाव जरूर देता है। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कितने बजे पड़ेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और इस दिन हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, सूर्य ग्रहण इस वर्ष जो है 20 अप्रैल को पड़ने के लिए जा रहा है, जो कि मेष राशि में रहेगा। तो मेष राशि में उस समय 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु। तो ये 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, जिसके कारण जो है भूकंप की स्थितियां बनेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल होगी और युद्ध की संभावनाएं बनेंगी और किसी न किसी प्रकार की कोई भी वायरल इत्यादि के भी आने की संभावना है। यानी कोरोना जैसी बीमारी पुनः इस समय ज्यादा सक्रिय हो सकती है, कोरोना के केस इस समय से ज्यादा बढ़ना चालू हो सकते हैं। तो इस समय हमें इन सब चीजों पर सावधानियां रखना चाहिए। दान पुण्य जितना आप उस दिन कर सकते हैं उस दिन आप करें। सूर्य ग्रहण जो है सुबह 7:04 से 12:20 तक रहेगा, लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूदक यहाँ भारतवर्ष में मान्य नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समस्त राशियों पर इसका विशेष प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा। तो इस दिन हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप हो सके उस दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और जो भी आपको जाप दान पुण्य करना है उतना दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं की सेवा करें। तो ये सब आदि आप दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण का आपको जो कुप्रभाव पड़ने वाला है उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको करना चाहिए। पुनः दूसरे वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ आपसे मिलेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।